सो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं पहाड़ी भावना व्लॉग्स। आपको पता है मेरे पहाड़ी भावना व्लॉग का जो चैनल है वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो उनका बेटा भी बहुत ट्रेंडिंग पे है, तो आज हम करने जा रहे हैं हाँ सो सॉरी। तो आज ये कुसुम रावत जी ने भेजा था मेरे को कमेंट कि आपका बेटा जो है मैं हूँ ओके यू नो ब्रो, मतलब आपका जो स्मार्ट बेटा है वो बहुत अच्छी जो पढ़ाई भी करता है और वो बहुत अच्छी व्लॉगिंग करता है, तो उनके लिए, खासकर उनके लिए अपन आ गए हैं उनके लिए व्लॉगिंग करने। और पहले मैं बता दूं, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पहाड़ी भावना व्लॉग्स। तो आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? हाँ, मेरे को पता है सबकी अच्छी सबको सबसे अच्छी जगह लगती है, क्योंकि अगर फोन लेके गए तो हम यहाँ पे इजीली खेल सकते हैं पूप का बहाना लगा के ओके। सो मेरे भाई मेरे को जगह बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा रखता था, कुंडी लगाता था और यहाँ पे इस पे आराम से बैठ जाता था। मेरे को दिन अभी भी याद है और मस्त पोजिस मारता था, गंदा भी लगता है यार, अच्छा लगता है। सो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको वो चीजें जो मेरे पापा ने गिफ्ट करी थी, लाइक दैट ये पापा ने मेरे को गिफ्ट करी, ये मम्मी लाई थी ये, और इसके अंदर के पापा ने खरीदे थे ओके। और ये बुद्धा जी इनसे आशीर्वाद दे रहे थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपके भाई ने बहुत मुश्किल से क्राफ्ट करके एक भाई अच्छी चीज बनाई है, जिसका मेरे को भी नहीं पता है क्या है। और मम्मी सो गई हैं और आज का व्लॉग सिर्फ मैं ही वो करूँगा, एडिट करके अपन का भाई भेजेगा। सच्ची इस बार मैं कसम लेता हूँ कि मैं भेजूँगा। अगर मम्मी आप देख रही हो ना, सो मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं ही एडिट करूँगा ओके। और आज मैं आपको अपनी छत दिखा दूँ, मेरी छत इतनी खतरनाक सी है ना, देखो पूरे यहाँ से लेके उधर तक प्लांट, बल्कि इधर भाई इधर यहाँ पर कभी नहीं छोड़ा, तो मतलब कहीं अगर छोड़ना ही नहीं भाई, हर जगह होने चाहिए तो प्लांट होने चाहिए भाई, ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन की वैसे कमी भी नहीं है। और अब मैं जाने वाला हूँ पीछे ओके। तो मीन वाइल पीछे हमारा कुछ भी नहीं है, फ्रिज खाली रहता है, बस इसको बेफालतू में चला के रखता है, मजा आता है यार। देखो मैं इधर ऐसे बैठता हूँ फ्रिज में बैठा और बंद कर लिया, मैं बंद हो जाता हूँ फ्रिज में, मम्मी इसको बंद करो, अब हम आगे जाते हैं। सो मेरे को यहाँ ये जगह अच्छी भी नहीं लगती बिल्कुल भी, मेरे को जो ये है ना किचन अपना बिल्कुल अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ पे छिपकली बहुत है, बीच में गला खराब हो गया था तो मम्मी खासकर उसके लिए लाई थी, और यहाँ पे हमारे पापा ये लाए थे मेरे लिए। मम्मी डर लग रहा है यार, मेरे को भी यहाँ पे आता नहीं, बहुत सारी छिपकलियाँ पड़ी हुई, कुछ तो मर भी गई होंगी मेरी बदबू सुन के। और ये जो मैं अपना ये वाली एंड करूँगा ना वीडियो, तो जब मैं इसको अपनी इस वीडियो को एंड करूँगा, फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ अपनी बस जगह में, तो एक मिनट ना मेरे को आ रही है, तो मैं अभी कट करके करता हूँ ठीक। मैं बोल रहा था कि अब हम आ गए अपनी बेस्ट जगह में, सीट को करा नीचे और बैठ गए इसके ऊपर। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि यार हम बच्चों पे ना जो माँ बाप का स्ट्रेस होता है ना सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, सीरियस ब्रो सीरियस। और मम्मी यहाँ पे हमारी सो चुकी है, आप जैसे कि देख सकते हैं, मम्मी सो गई, मम्मी शायद इनको उठानी चाहिए लेकिन मुंह देख रहे कितने बोली लग रही है, बोली इतनी बोली मैंने मम्मी को कभी नहीं देखा, बोली ली मेरे बच्चे छो जा, मम्मी उठ गई, मम्मी उठती है ना खलनायक लगती है ऐसे, भूत जैसा भूत आ गया। और यहाँ पे आपके भाई ने बहुत मजदूरी करी है कह सकते हैं, क्योंकि मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं बहुत मेहनत करता हूँ गाइस, इतने डॉक्यूमेंट्स है ना मेरे गाइस, ये देखो
सो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आती है तो उसको एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।